नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी एईपीएस केंद्र चलाते हैं या फिर आधार से पैसे निकालने का काम करते हैं या फिर आपके पास कोई स्टेट बैंक की मिनी ब्रांच है, सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो देखना काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्टेट बैंक की तरफ से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपडेट को जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का जरूर देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आ जाइए इस वेबसाइट पे और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दी गई है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप जानकारी को पढ़ लें। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहीं ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर एईपीएस से उससे पैसा निकालते हैं, सो फ्रेंड्स आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है क्योंकि स्टेट बैंक ने अपने नियमों में बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर कोई भी ग्राहक आपके यहाँ पैसे निकालने आता है तो आप दिन में उसका एक ही बार अंगूठा प्रयोग कर सकते हैं, केवल एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पहले दोस्तों क्या होता था कि आप उसका बैलेंस इंक्वायरी भी कर लेते थे, उसे पैसा निकाल के भी दे देते थे, लेकिन फ्रेंड्स अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसकी बैलेंस इंक्वायरी कर देते हैं तो आप उसका पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर दोस्तों आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी ग्राहक पैसे निकाल ले आता है तो आप उसे सीधा मना कर दें कि आपका बैलेंस इंक्वायरी नहीं होगा, अगर पैसे निकालने हैं तो बता दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो कुछ सर्विसों का तो बंद कर दिया गया है, अगर आप कई कई पोर्टल में देखेंगे तो वहां पे सीधा मना कर दिया गया है, वहां पे बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा को बंद कर दिया गया है एसबीआई के लिए, जबकि अलग पोर्टल के लिए वो चालू है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि स्टेट बैंक ने अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट तय कर दी है, यानी कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में महीने में 4 बार ही एईपीएस से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, महीने में केवल 4 बार कर पाएंगे, अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, वहां पे लिखा आ जाएगा कि आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है। सो फ्रेंड, इस बात का आपको काफी ध्यान रखना है कि आप उनका ट्रांजेक्शन केवल 4 बार ही करेंगे, इससे ज्यादा बार आप उनका ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए सबसे बुरी और सबसे बड़ी खबर है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा, और साथ में एईपीएस सीएसपी चलाने वालों के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीएसपी चलाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, तो इन बातों का आप खास तौर से ध्यान रखें जिसमें आपको भी कोई समस्या नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक आता है तो उसे आप जानकारी दे दें, इससे कि वो भी समझ जाए और वो भी अपनी ट्रांजेक्शन ना करे। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, परेशान करने सीएससी केंद्र पर चले आते हैं और कहते हैं कि मुझे पैसे निकालने हैं और फिर वो आपको परेशान करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा अपडेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेके, और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।